भारतीय जनता पार्टी का मतलब हो गया भारत जलाओ पार्टी। ये बजरंग दल नहीं है भाई, बदरंग दल है। बदरंग दल जो देश को बदरंग कर देना चाहता है, देश को बदनाम करना चाहता है। कौन सी शोभा यात्रा? शोभा यात्रा थी या खच्चर की सब यात्रा थी? खच्चर का मतलब समझ रहे हो आप? ये स्थिति पैदा करते हो, सीधे साधे लोगों को मारते हो जबरदस्ती। और वहाँ किसको मारा? ट्रेन के अंदर मारा ना तुमने उन सीधे साधे मुसलमानों को? क्या उनके बच्चे नहीं, बीवी नहीं, माँ नहीं? RSS का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, RSS का मतलब राष्ट्रीय सांड संघ, RSS का मतलब राष्ट्रीय शोषण संघ। रोटी खा के पेट भरती है, सूखी रोटी खा लेते हैं भारतवासी, मगर तुम साले सरकार का गू खा रहे हो, गू खा के पेट भरते हो, चाटुकार चमचो लटको सरकार की, देश की सच्चाई नहीं दिखाते हो। EVM मशीन का मतलब क्या है? इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। अब की बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार। अब की बार मोदी सरकार का जो कहते थे हर हर मोदी, हर हर मोदी, अब देश की जनता कह रही है मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी। वो जो कहते हैं मोदी 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 है, घर जागते हैं देखते हैं क्या इनकी अम्मा रो दी रो दी रो दी, भक्तों तुम्हारी अम्मा रो रही है। ये पाखंडियों की सरकार है जो ऐसे चूतियाओं को आगे पेश करती है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कहाँ कहाँ पे हिंदू राष्ट्र, कितने हिंदू हैं? बीते 90 दिनों से मणिपुर को जलाया जा रहा है। तमाम लोगों का साफ कहना है कि इसके पीछे RSS और BJP का हाथ है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर सदन में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसके साथ ही मणिपुर की आग नहीं बुझी, पता चला मेवात, नूह और गुड़गांव में आग लगा दी गई। बाकायदा गुड़गांव में एक मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया और मस्जिद के जो इमाम थे उनकी हत्या कर दी गई। ये है शायद मोदी के सपनों का भारत। मेरे साथ आज मौजूद हैं नंदा भाई लोधी। कैसे देखते हैं सर, अमित शाह जी कह रहे हैं कि सब बेहतर है, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं, अपोजिशन लगातार मांग कर रहा है, मोदी जी मुंह तो खोलिए, देश सुनना चाहता है। देखिए स्थिति है भारत की, भारत आज जल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का मतलब हो गया भारत जलाओ पार्टी, भारत को जला रहे हैं लोग। ये ऐसे भैंसी दरिंदे हैं, भारत की अस्मिता इज्जत बहन बेटियों का मान सम्मान स्वाभिमान सब इन भेड़ियों ने नोच दिया। सुरक्षा के साथ तो ऐसा कड़वा मजाक है कि हर आदमी जब घर से बाहर निकलता है ना तो ये सोचता है कि मैं सुरक्षित वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। और स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं, बहुत गंभीर हैं स्थितियाँ इस देश की, भारत की। आप देख रहे हो जैसे ट्रेन हादसा हुआ, क्या हुआ इसमें, कौन थे वो? सिर्फ जाति और धर्म देख के टारगेट किया गया? कौन है ये, कौन भैंसी दरिंदे हैं? और कहते हैं कि मीडिया ने बताया उसको, मीडिया ने बताया भूतनी वाले को, क्या बताया उसने कि भाई उसमें कोई पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से लॉन्च किए हुए लोग हैं जो यहाँ आतंकवादी घुस गए हैं। ट्रेन में वो सीधे साधे मुसलमान थे, उनकी दाढ़ी देख के उसने, वो दरिंदा जो आतंकी था, आतंकवादी था, जो RSS के यहाँ ट्रेनिंग लेके, RSS के दफ्तर में ट्रेनिंग लेके जो तैयार किया गया था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाल ही के दिनों में उसे भर्ती किया था। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन ये बताइए जो पूरा नूह को जलाने कोशिश है और आज दिल्ली के लगभग 25 जगहों पर बजरंग दल का प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। ये बजरंग दल नहीं है भाई, बदरंग दल है। बदरंग दल जो देश को बदरंग कर देना चाहता है, देश को बदनाम करना चाहता है। पूरी दुनिया के नक्शे पर भारत बदनाम हो रहा है आज, भारत का नक्शे की स्थिति खराब कर दी है। पूरी दुनिया की संसद ने अपना संसद सत्र बुलाया और मणिपुर की घटना पे जिस प्रकार से भारत माँ को निर्वस्त करके दौड़ाया, परेड कराई है, उनके गुप्त अंगों में उंगलियाँ डाली गई, चाकू डाले गए, उनकी अस्मतें और इज्जत लूट ली गई, इसके लिए पूरी दुनिया की लोकसभाएँ संसद शर्मसार हुई और उन्होंने मतलब कि अपनी तरफ से रोष व्यक्त किया। और हमारे भारत में देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं हो रही है। आज बेटियों का ये नारा जो था ना, नाड़ा खोल अभियान चला रखा है भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने, बहन बेटियों का नाड़ा तोड़ रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं, उनकी अस्मतें लूट रहे हैं। इससे देश को बचाना होगा। भारतवासियों डरो मत,
ये डर भय भूत और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले। नरेंद्र मोदी क्या गलती उसमें है? नरेंद्र मोदी गलती नहीं है, नरेंद्र मोदी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप नहीं जानते हो नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे। नरेंद्र मोदी जी कहते थे जो जिस भाषा में बात करे उसी भाषा में बात करो। और मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, आज कहते हैं कि नंदा भाई ऐसी भाषा बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ये भाषा मैंने आपसे सीखी है। आप देश के संवैधानिक पद पे हो, प्रधानमंत्री हो, जब देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद की मजाक उड़ाता हो और मंचों से जब बोलता हो ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, ऐसे लगता है इसकी दीदी खो गई हो, और जब मंचों से बोलता है कांग्रेस की बेवा कांग्रेस की बेवा, तो मुझे लगता है वो तो बेवा है। और एक बात बताओ, जिसका पति होते हुए भी यहाँ बेवा की जिंदगी गुजार रही है आदरणीय मोदी जी, आपकी धर्मपत्नी, उसके बारे में भी दो शब्द कहो, उसके मन की भी कह के दिखाओ। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो आप, और क्या कहते हो भाषाएं। देखो अभी राजस्थान में हाल ही में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, मणिपुर जाने में इनके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हैं। मैं राजस्थान में क्या कह रहे थे देखा होगा आपने, कि विपक्ष के लिए किस तरीके से बोले, ऐसे ऐसे एक विपक्ष के लिए कि इसका डब्बा गोल। ये कौन सी भाषा है संवैधानिक पद पे? भारत के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? जो गटर के कीड़े, जो नाली के कीड़े, जो जगह जगह कीचड़ फैला रखी है तूने पूरे देश में, सोचते हो जितनी कीचड़ जितनी गंदगी फैला होगा कमल खिल जाएंगे? बदबू आने लगी है अब तुमसे, घिन आने लगी है, समझो मैं एक क्रांतिकारी हूँ। मैं फिर जवाब देता हूँ कि ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हो ना कि डब्बा गोल, ये जो गटर, जो गंदगी का जो गटर है ना, ये क्रांतिकारी तुम्हारा जो डब्बा गोल करने की बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा जो है ना ढक्कन बंद करने वाले हैं क्रांतिकारी। ध्यान रखना बेटा, ढक्कन बंद होने वाला तुम्हारा। ये जो तुम्हारी जो है ना ये लड़ाई दंगा, ये जगह जगह जो उन्माद फैलवा रहे हो, मॉब लिंचिंग कराते हो, आज ये देखा भैया हमारे पूछ रहे हैं कि नूह में जो दंगा हुआ है, ये जो हुआ क्या निकाला था वहाँ, कौन सी यात्रा निकाली थी, कौन सी शोभा यात्रा थी या खच्चर की सब यात्रा थी? खच्चर का मतलब समझ रहे हो आप, कौन है वहाँ? ठीक है, फिर बजरंग दल के, फिर विश्व हिजड़ा दल के ये लोग थे, इन्होंने उपद्रव मचाया। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों, जो आदमी आपसे पहले ही डर रहा है, आपसे पहले ही हाथ जोड़ रहा है, आप उससे कह रहे हो, उसे मार रहे हो, कह रहा भैया मुझे ये तो बताओ मेरी गलती क्या है, आप उसके बार बार एक ही पीठ पे चमड़ी पे बार बार मारोगे कोई चीज़ चाबुक, तो कहीं ना कहीं बचाव करेगा। मेरे भाइयों, चींटी भी दबती है तो काटती है, अगर अपने डिफेंस में कोई आदमी अपना बचाव करता है तो उसको तुम क्या कहते हो, यह आतंकवादी है, देशद्रोही है। ये स्थिति पैदा करते हो, सीधे साधे लोगों को मारते हो जबरदस्ती। और वहाँ किसको मारा, ट्रेन के अंदर मारा ना तुमने उन सीधे साधे मुसलमानों को? क्या उनके बच्चे नहीं, बीवी नहीं, माँ नहीं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो जब ट्रेन से जा रहे होंगे उनकी बच्चों से बात हुई, उनके बच्चे नौनिहाल उनको याद कर रहे होंगे, कह रहे मेरे अब्बू मेरे अब्बू, मेरे लिए खिलौने लाएंगे, मेरे लिए कपड़े लाएंगे, मेरे लिए चीज़ लाएंगे। वो नौनिहाल जब उनके घर में ये संदेशा पहुंचा होगा कि एक भैंसे दरिंदे आतंकी ने RSS के उनकी निर्मम हत्या कर दी, तो क्या होगा? बस माँ से पूछना कि हिंदू मरा कि मुसलमान मरा, वो माँ कहेगी मेरा बेटा मरा, मेरा बेटा। ये माँ वही है जो 9 महीने अपने पेट में रखती है, अपना खून सींच के पालती है, ये भारत माता है, अपने सीने से अपने कलेजे से जब पैदा होने के बाद स्तनपान कराती है, उस माँ के स्तनपान वाली माँ के दिल पे जब ऐसा संदेशा मिला होगा तो उसका सीना फट गया होगा। भूतनी वालों, तुम्हें माँ बहन की कोई इज्जत प्यारी नहीं, क्योंकि तुम तो रंडवे हो। RSS का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, RSS का मतलब राष्ट्रीय सांड संघ, RSS का मतलब राष्ट्रीय शोषण संघ, ये है RSS। ये बदतमीजों की RSS है, ये चड्डीधारियों की, ये चड्डी गैंग है, ये चड्डी हुकूमत जो चल रही है। सोचा था ये देश को कुछ देंगे, क्या क्या साइनिंग कराएंगे, क्या क्या बनाएंगे इस देश को, स्मार्ट सिटी देंगे, स्मार्ट सिटी दे रहे हो तुम भूतनी, क्यों क्या दे रहे हो तुम देश को, चड्डी गैंग। तुमने तो लोग कपड़े उतार दिए, सोचा था चड्डी भी लाके छोड़ोगे, तुमने तो अब चड्डी भी उतार दी बहन बेटी। मोदी जी हैं तभी सीमा भाभी आई हैं, पूरा देश खुश है, सीमा भाभी आ गई हैं, राष्ट्रीय भौजाई बन गई हैं। भौजाई है कहाँ का,
कहाँ खम, जिसके चार चार खसम, ये कौन सा मिस कैंगल है, ये कौन सी मोहब्बत है, हैं? आज अगर कहीं लैला जिंदा होती और सोनी जिंदा होती समझे, और मीरा ना भी सुन लिया होता, ऐसी मोहब्बत को तो आत्महत्या कर ली होती, और इसको मोहब्बत को दिखा रहे हो जिसके चार चार खसम। हाँ हाँ, वो महिला विकास मंत्रालय कौन देख रहा है? ईरानी जी। हाँ ईरानी जी, आपके लिए एंगल अच्छा हो सकता है मोहब्बत का, दो कसम वाली, तीन कसम वाली, ये महिला विकास है, जिसके चार कसम छोड़ के आती है, चार बच्चे लाती है, ऐसी महिलाओं का विकास कर रही हो आप, ऐसी नाजायज महिलाओं का, ऐसी बेशरम आवाज, मोहब्बत के खिलाफ हैं आप। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तो क्या है मोहब्बत, नहीं तो क्या है? ये खुजली है, इसके हवन कुंड में सही आहुति नहीं दी, क्योंकि हवन वहाँ लगते नहीं है पाकिस्तान में, हवन कुंड तैयार होते नहीं है, यहाँ आइए भारत में अपने हवन कुंड को लेके, इसमें मंत्र डाल के इसमें घी का छिड़काव होगा, क्यों घी नहीं डाल पा रहे थे समझे, भारतवासी यूं ही लुटा देते हैं कनस्तर के कनस्तर हवन कुंडों में, धनाधन धनाधन धनाधन, समझ गए? हाँ, आप कट्टर ब्राह्मणवादी हैं, आप इसीलिए हवन की बात कर रहे हैं लगातार है? हाँ हाँ, इतना ब्राह्मणवादी हूँ कि पूछो मत। अरे भाई, मैंने तो काफ़ी कुछ कहा था कि हमारे भारत में एक चमत्कारी बाबा है, जानते होगे, बागेश्वर, बागेश्वर बाबा जानते हो कि नहीं? हाँ, मैंने कहा था यार, चंद्रयान 2 फेल हो गया किसी कारण, बस चंद्रयान 3 छोड़ा है, इस बाबा को चंद्रयान 3 पे बैठा देते, भूतनी वाले को सीधा चंद्रयान पर उतरता, वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाता है, और कहीं ग्रेविटी की वजह से बीच में लटक जाता, फिर है बन जाता राष्ट्र। अरे वो तो पर्चा निकालने वाले बाबा, उन्हें क्या पता ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? अरे पर्ची है फर्जी है, आपको बताया नहीं? अरे कमलनाथ माथा टेक रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, वे माथा टेक रहे हैं, चौहान, गडकरी साहब जाते हैं, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं। कौन? गडकरी साहब भी जाते हैं, गडकरी साहब, नितिन गडकरी, माननीय मंत्री जी, चौहान साहब, चौहान जिनकी कोई शान नहीं है, बहन बेटियों का अपमान कराते हैं, लोगों के मुंह पे मुतवाते हैं, वो चौहान, और कौन सा था पहला बताया था, और कौन जाता है? कमलनाथ, वो कमलनाथ कांग्रेसी हो गए हैं, उसके राज्य में नाथ, अपने मतलब के लिए कहीं मत्था टेक लेते हो, है बे, बूढ़े हो गए, चला नहीं जाता, काले बाल कर लेते हो, अब भी नेतागिरी का भूत नहीं उतरा, लकड़ियां बुक करा लो शमशान में, साले लेट जाओ और आग लगा लो। अरे जेल हो जाएगी भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, भावी मुख्यमंत्री, कौन कह रहा भावी, खुद बोल रहे हैं, आगे सीमा भावी, वो लगवा रही है चाबी, और उसका पसंद देगा, पसंद है, इश्क मोहब्बत है, सचिन वो चुसेला आम चुसा हुआ, समझे नहीं, और अब तो ये कह रहे हैं प्रेग्नेंट हो गई। अरे भाई, उसका तो हेडपम्प खत्म था, पानी भी नहीं निकल रहा था, हैं? ये प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई? रघुपुरा वालों, तुमने सही ध्यान दिया, हैं? वो तुलसी लगाई थी ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की उसमें लगाई थी, सूख रही थी, ध्यान रखना भाई, पानी डालते रहना उसमें, हरी भरी रखना, और उसी का नतीजा है, समझे, उसी का नतीजा है कि ये चुसे हुआ आम कुछ दे तो सकता नहीं, अब प्रेग्नेंट हो गई है, तो यह हो गया आम पापड़, इसको चाट चाट के खटास, जो जी मचलाएगा तो चाट लिया करेगी इसको, क्यों भक्तो, ये एंगल दिखाया जा रहा है, इसको बचाया जा रहा है महिला को, जो बिना वीजा पासपोर्ट के, बिना वीजा पासपोर्ट के देश के अंदर एंट्री करती है, और फिर क्या होता है, नकली कागजात बनवाने जाती है वकील के पास, वकील साहब अच्छे थे वो, उन्होंने फ़ोन करा, सूचना दी, 50 दिन से गोपनीय तरीके से भारत के अंदर रही, और भक्तो ये अकेली नहीं आई है भारत के अंदर, तुम्हारे भाई बहन लाई है, वो अंधभक्त तो सुन रहे हो मुझे, भूतनी के हो, सुन लो, अकेली नहीं आई है, तुम्हारे चार भाई बहन भी लाई है, और उसके साथ साथ 25-30 मामू भी लेके आई है, जगह जगह पूरे देश में बिखर गए हैं। अरे लोग बता रहे हैं कि आपको नंदा भाई को तो बड़े पापा बोल रही है, कह रही है मेरे ताऊ जी हैं आप, है? बच्चे जो आए हैं कौन से, आपको सीमा हैदर के बच्चे कह रहे हैं, हाँ। आप ताऊ जी हैं उनके, आपके आपका जो है कई वीडियोस को उन लोगों ने देख लिया, ताऊ जी हूँ मैं, हाँ। अबे कब देख लिया, भूतनी क्यों, तुम तो बाद में पैदा हुए, कौन सी ताई है वो, आप ताऊ जी हैं, हाँ तो मैं ताऊ हूँ, तो कहाँ है वो ताई,
हैं जब इतने खाई थी खटाई, मैंने भी तो प्रेग्नेंट किया होगा, कहाँ है वो? अब सालों मुझसे भी हेडपम्प चलवाओगे? आप तो जेष्ठ हैं, आप छू भी नहीं सकते उसको। मैं जेठ हूँ, जेठ हूँ ना, सीमा भाभी का जेठ, सुन रही है? मिल गए, मान लिया आप जेष्ठ हैं, नंदा भाई जेष्ठ हैं। सीमा भाभी सुन रही है, मैं जेठ हूँ, साल में एक महीना जेठ का होता है, ध्यान रखियो, समझे? सारी खुजली जो नहीं मिटी ना पाकिस्तान में, ये क्रांतिकारी ना तेरे हवन कुट को फूंक देगा पूरा, सारी भपका गर्मी सब निकाल दूंगा मैं, बर्फ का गोला लेके घूमता हूँ, ठंडक ही ठंडक हो जाएगी तेरी आग में। आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, जेल हो जाएगी। महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा देश संविधान चल रहा है, मैं संविधान को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ। मैं क्या संविधान को नहीं मानता? मैं संविधान को मानता हूँ। महिलाओं के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे? कौन है तब? ये महिला है। क्या है ये? कीचड़ है, गंदगी है, खुजली है, समझे? नाजायज है ये देश में आना, बच्चलन महिलाएं। एक बात बताइए, ऐसी नारी को आप क्या कहोगे? सतीव्रता, जिसके चार चार खसम हो, 40 बॉयफ्रेंड हो, चार बच्चे ना जाने किस किस के ले आए, कहाँ कहाँ खुजली के बर्तन ही पैदा करके ले आई है, और यहाँ फिर पति लठकुमाने आ गई है, और उससे साले चमचा भी नहीं लाया जाएगा उसमें, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया। और आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो यार, किस बात को क्या कहते हो तुम? इसको सोचने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी महिलाओं का टीवी चैनल वाले, मेन मिस्ट्री मीडिया वाले ये जो दिखाते हैं प्यार करके, चलो मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो दिखा रहे हो ना, देश की बहन बेटियों पर गलत असर पड़ेगा। इस देश की बहन बेटियां वो बेटियां रहीं जो देवियों के रूप में पूजी गई, वो सतियां रहीं, चाहे रानी पद्मावत हो, खिजली ने उसके शरीर को छूना चाहा, उसकी खुजली नहीं होने दी पूरी, और उसने जलते हुए आग में कूद दिया, जोहर किया, चाहे रानी आप उसको आ जाओ, लक्ष्मी बाई, रानी अवंती बाई, झलकारी बाई, ऐसी ऐसी वीर वीरांगनाएं हुई, अंग्रेजों से लड़ी, और जब गिर गई तो अपनी तलवार अपने अंदर डाल ली, और उन्होंने कहा जीते जी मेरे शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये देवियों का देश है भारत, और एक देवी वो जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी धर्म पत्नी को, समझे, सावित्री भाई फूले को शिक्षा का दान दिया, और वो शिक्षा का दान अपना पति व्रता धर्म निभाती हुई पूरे देश की राष्ट्र की महिलाओं को एक शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, समझे? ऐसी ऐसी महिलाएं रही जो शिक्षा के बाद शिक्षा बांटी, और शिक्षा बांटने के बाद देवी के रूप में आज साक्षात शिक्षा की देवी है सावित्री बाई फूले। और ऐसी देवियां नहीं है कि जिनको इनके पति पढ़ाएं लिखाएं, उनके बच्चे भी खिलाएं, ज्योति मौर्या जैसी, समझे? शिक्षा का दान और करवा दे अपमान, ऐसी नहीं है देवियां हमारे देश में। हमारी देवियां ये थी सावित्री बाई फूले, लक्ष्मी बाई, अवंती बाई, और जो भारत के तिरंगे खा, जिसने मैप बनाया, सुरैया तैयब, ऐसी ऐसी महिलाएं इस देश में रही जिसके वजह से देश को जाना जाता है, माना जाता है, यहाँ की महिलाओं को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। तो ज्योति मौर्या उसी को बढ़ाती हुई, ज्योति मौर्या उसी को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। ज्योति मौर्या के बारे में सही बताऊं, आपने सुना होगा लव जिहाद का नाम, भारत में यहाँ के जो पाखंडी जो राजनीतिक जो चल रही है, आरएसएस की जो पृष्ठभूमि है राजनीति की, वो लव जिहाद से शुरू होती है, इनकी मोहब्बत ने बड़ी पीक भरती है, ये खुद जो हैं जातिवादी गुंडे हैं, हर जाति हर कौम से इनके दिल में ऐसी नफरत है, इतने कपटी हैं ये कि इन्हीं का खाएंगे हैं और इन्हीं को घरे आएंगे, नहीं कोई बात नहीं, खाएंगे और इन्हीं को घरे आएंगे, ये समझ लीजिए। तो इनका काम है, ये कहते थे हिंदू मुसलमान लव जिहाद, हिंदू मुसलमान लव जिहाद, और जब कोई दलित की, पिछड़ी की, पिछड़े की बहन बेटी अगर आगे पढ़ लिख के आईपीएस आईएएस या एसडीएम बनती है, तो इसको टारगेट करते हैं जातिवादी गुंडे, इसका जीता जागता सबूत है, दुनिया को बताते हैं लव जिहाद हिंदू मुसलमान की, और ये क्या करते हैं भूतनी के, ये करते हैं परिवार तोड़ो जिहाद, ये परिवार तोड़ो जिहाद, परिवार तोड़ो जिहाद मचा रखा है इन्होंने, क्योंकि हमारे ये जो दलित पिछड़ों की बहन बेटियां बहुत कम तादाद में पहुंचती हैं, उनके अपने लोग नहीं होते, ये उसे टारगेट कर लेते हैं, उसका परिवार तोड़ा देते हैं, जो इनका पति इनके लिए मेहनत करा, ससुर इनके लिए मेहनत करा, उनके भी हौसले वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और यही वजह हुई कि मैन मिस्ट्री मीडिया पर लोगों ने दिखाया ज्योति का और उसका मनीष दुबे का, मनोज देवी तो इतना, उसकी बीवी ने उसका विरोध करा, और तो और जो होमगार्ड का मैन सीनियर अफसर था उसमें भी दलित और पिछड़ी समाज की महिलाओं को इसने निशाना बनाया, ताकि कोई महिला ये ना सोचे कि मैं पढ़ लिख के
आईपीएस आईएएस बनूं, होमगार्ड में एक अधिकारी बनूं, या फिर कहीं आगे बढ़ के बैठ ना जाऊं। यही स्थिति हमारे समाज के पुरुषों के साथ भी है। अरे आप इसमें जात का एंगल ला रहे हैं। आप देख लीजिए, आदरणीय परम पूजनीय तमाम भक्तों की भाभी अंजू पाकिस्तान चली गई प्यार के लिए, और क्या चाहिए आपको, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, लव एंड वार में सब कुछ जायज है। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये क्या हो गया देश को, चार चार बच्चों वालियों को प्यार हो रहा है, दो दो बच्चों वाली भाग रही है। अभी क्या ही प्यार है, या भूख है, या क्या है, गर्मी है, यहाँ से भाग गई तू। ओ अंधभक्त हो, भूतनी क्यों सुन रहे हो मुझे, दीदी गई तुम्हारी, समझे, अंजू उड़ंछू हो गई, कहाँ पहुँच गई, नसरुल्ला नसरुल्ला, अब्दुल्ला का विरोध करते थे भूतनी वालो, जीजा मिल गया नसरुल्ला, और दे रहा वो खुल्लम खुल्ला, तुम्हें पता है क्या खिलाता है, कबाब तुम्हारी दीदी को, ले कबाब, वो कहती है लूट ले सवाब, ये हालत है समझे। फिर कहती है हाओ जनाब, कहता है वो राम राम भी नहीं कहती आजकल, कहती सलाम वालेकुम, और फिर कहती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, समझे, और ले आएगी दो चार लल्ला उसके पैदा करके। भक्तों भांजे भांजी आने वाले हैं, खिलाना, एयरपोर्ट पर आएगी झुंझुने लेना, झुंझुने नाराज़ हो जाएगा अब्दुल्ला, समझे, बहुत हरामी है वो, अगर उसके लिए ध्यान रखना। जब सीमा भाभी के लिए तुम बनारस की साड़ी मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र से लाते हो, भाभी को साड़ी, और ये जीजा, जीजा को भी कुर्ता पजामा लेके जाना, नाराज हो जाएगा। दूसरों के बच्चों के पप्पा बनोगे भूतनी वालो, और वो जानती थी उसको, सचिन चुसैले को, किसके बस की कुछ नहीं है, इसलिए चार बच्चे साथ लाई थी कि ये पप्पा बन जाए इसका। अरे यार तो ताऊ बोल, बच्चे जो है ताऊ बोल रहे हैं, कह रहे नंदा भाई मेरे ताऊ हैं, और क्या चाहिए, फ्री का फ्री के बच्चे मिल गए, आपको भी खिलाइए उन्हें, दुकान पर ले जाइए, चाट खिलाइए उन्हें, गोलगप्पे खिलाइए, नमकीन दिलवाइए, और आइसक्रीम खिलाइए। कौन से ताऊ हैं भाई, ये तो बता, कहाँ से ताऊ हो गए, ताऊ तो इनके मोदी जी हैं, हराम खाऊ हैं, यही इनको पॉपुलर करा रहे हैं, समझे। ये देश की मेन मिस्ट्री मीडिया इनको प्यार का एंगल दिखा रही है, ये देश को बदनाम करा रही है, बहन बेटी क्यों का इज्जत और मजाक बना रही है, समझे। ये बच चला ना आवारा, ये महिलाएं हैं, समझे नहीं, ये भी अंजू थी, इसके भी कम से कम 440 बॉयफ्रेंड थे यहाँ, समझे, और शाम को पाइपलाइनों के आसपास घूमती थी फ्लाईओवरों के नीचे, हैं, और यहाँ कुछ नहीं था इसका, इसे लगा इस एंगल में अच्छा मिल रहा है, फ्लैट भी मिल रहा है। और भूतनी की सुन लो अंधभक्तो, मेन मिस्ट्री मीडिया वालों भी सुन लो, पाकिस्तान से आ रही है, राखियाँ ला रही है, राखियाँ चमकीली चमकीली, समझे, अंधभक्तो कलाई पे बांधेगी, गाना भी गाएगी, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ठीक है, रो मत, कहाँ गुफाओं में तो भग गए यार, जब से ये गई है दीदी आ रही है और ला रही है। और मैं मिस्ट्री मीडिया वालों तुम भी ध्यान रखना, सालो तुम्हारे भी कैमरे पे एक एक राखी बांधेगी वो, तुमने बहुत दिखा रहे हो इसका एंगल दिखा के, समझे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये महिलाएं हैं, महिलाओं के नाम पर कलंक है, समझे नहीं, ज़्यादा भूख थी आग थी क्या तुझे, देश के एंगल को कहाँ से क्या दिखा रहे हो, पहले देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके आपस में लड़ाई कराते हो, भाईचारे को ख़त्म कराते हो, और जब देश की जनता समझ जाती है मॉब लिंचिंग से ये देश को पूरे को बर्बाद कर दिया इन्होंने, कमीनों ने, तो फिर ले आते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान का एंगल कि भाभी आई दीदी गई है बे भूतनी वालों, फिर नसरुल्ला आएगा उसको गिरफ्तार कर लोगे, फिर उनसे पाकिस्तानियों से कहोगे करो गोलीबारी। अरे कह रहा है तैयार हो गया आपको साला बनाने के लिए, कौन नसरुल्ला, पाकिस्तान वाला, अंजू का हस्बैंड। ओ नसरुल्ला क्रांतिकारी हूँ मैं, साला नहीं। अरे बहन है आपकी, कौन अंजू आपकी बहन है, तभी साले हुए आप उसके। अगर मैंने वो नसरुल्ला तेरी आंखों में आगे डाल दी ना, साले गर्भ बता कर दूंगा तुझे, फिर पैदा कहाँ से करेगा, ये तू ध्यान रखियो, ये ध्यान रखियो, मैं क्रांतिकारी हूँ समझे, तेरे साले अंधभक्त मैन मिस्ट्री मीडिया चैनल वाले हैं तेरे साले, उनसे कहे हम भी मानते हैं वो तेरे साले हैं, समझे, जिन्होंने देश के छोटे छोटे बच्चों के निवाले छीन लिए, वो कमीने तेरे साले हैं, हम नहीं है साले, हम क्रांतिकारी हैं, समझे ना। 40 लाख रुपए का घर मिल गया और क्या चाहिए है? आप तो 400 रुपये के घर में रहते हैं किराए में, उसको तो 40 लाख का पूरा बंगला मिल गया है। हाँ हाँ, तो इनको बताओ ना, मेल मिस्ट्री मीडिया वालों सुन रहे हो, अपनी अम्मा को भेज दो, नहीं मिल जाएगा फ्लैट,
दीदी हो और उन्हें भेजो, रोटी खा के पेट भरती है, सूखी रोटी खा लेते हैं भारतवासी, मगर तुम साले सरकार का गू खा रहे हो, गू खा के पेट भरते हो, चाटुकार चमचो लटको सरकार की, देश की सच्चाई नहीं दिखाते हो। जब मणिपुर में बहनों और माताओं को नंगा निर्वस्त्र करके दौड़ाते हैं, ये नहीं दिखाते हो, तुम्हारी गैरत कहाँ ले जाती है, तुम्हारी आंखों में पानी है कि नहीं, नूह में क्या हो रहा है, दिल्ली में दंगे की तैयारी है, हैं ये तुम्हारी बीमारी है, ये विकास है, ये विकास का मॉडल है, भूतनी वालों ये विकास का मॉडल है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को रचा, लगा सब हर कौम हर धर्म जाति के लोगों को समान अधिकार मिले, ये समान अधिकार है, जाति देख के गोली मार देता आदमी, किसको मार दी, उस मीणा को मार दी ना, ये एसआई को, इसने किसने, ये पागल ने आतंकी ने, वो जानता था ये मीणा दलित है, मार दी गोली, जबकि उससे बड़ा अफसर था वो। जाति को टारगेट किया जाता, कुछ जातिवादी गुंडे हैं और गिने चुने हैं, उनका एक दफ्तर है, वहाँ आतंकी तैयार किए जाते हैं, वही आतंकवादी है, किसी का आंदोलन होता है तो पुलिस की वर्दी में उन्हें आतंकियों को छोड़ दिया जाता, यही सुरक्षा गार्ड था ना, ये उसी चड्डी गैंग का आदमी था, चड्डी गैंग समझ लो ना, ये चड्डी गैंग उसका आदमी था, और इसने जो गोलियां बरसाई उन बेगुनाह मासूमों को मार दिया, मोट के घात उतार दिया, और नूह में जो चल रहा है शोभा यात्रा ये तुम्हारी सब यात्रा निकलने वाली है देश के अंदर, भारत की जनता जल्दी सब यात्रा निकालेगी तुम्हारी, वो कीड़े मकोड़ों। और सबसे एक बात और बता रहा हूँ नमीन भाई, सबसे बड़ा घोटाला इस देश में किसने किया जानते हो? बताइए। कांग्रेस की कमी है, भाजपा भी कहती है ना विपक्ष कि भाई ये हुआ तो कह रहा कांग्रेस की कमी है, ये कांग्रेस की वजह से हुआ है, ये कहती है नेहरू गलती है। अरे नेहरू की कांग्रेस, राजीव भाई सबसे बड़ा घोटाला किया इन्होंने। किसने? कांग्रेसियों ने। कौन से कांग्रेसियों ने? भूतनी वालों को जेल में हो कांग्रेसी, सुनो सुनो, राहुल गांधी बुला रहे हैं। हाँ उसी को सुन ले सालो, इतना बड़ा कॉन्डम घोटाला किया तुमने, साले सही कॉन्डम बनाते, चिकनायुक्त दानेदार मजबूत, उस टाइम कॉन्डम सही नहीं बनाए, साले फट गए, ये फटे हुए कॉन्डम की नाजायज संतान है ये भूतनी के, जो देश में मरवा रहे हैं लोगों को, जात पात और कर किसके नाम पे कटवा रहे, साले अगर कॉन्डम सही बनाए होते तो ये घूम रहे होते अंधवक्त हैं, साले रंडुए थे, इन्होंने कॉन्डम का यूज करा सालों ने जाके घर घर में, जितने अंधभक्त थे उनकी अम्माओं के साथ कॉन्डम फट गए और ये अंधभक्त बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो गए। सालों कमी है तुम्हारी, मुकदमा बनता है तुम पे, इतना बड़ा घोटाला करा हैं, कॉन्डम बनाते सही बनाते हैं, तो कम से कम ये नाजायज, ये कीड़े मकोड़े सपोले तो तैयार नहीं होते जो आज सांप बन चुके हैं, देशवासियों को डस रहे हैं, भूतनी के हो हे उच्च न्यायालय, मुकदमा तो बनता है कांग्रेस के ऊपर, कॉन्डम घोटाला किया इन्होंने, अगर ये कॉन्डम घोटाला ना करते, सही कॉन्डम बनाते, ईमानदारी से बनाते, तो ये अंधभक्त इस देश में पैदा ना होते, और ये सारा जो दोष है तुम्हारे पर मर रहे हैं, ये सही मर रहे हैं। हालो कॉन्डम घोटाला ऐसे ही करा तुमने, वो सही चीज़ तो बनाते, सुरक्षा तुमने सही नहीं दी और फट गए। अभी तो मोदी जी आए हैं, बॉर्डर सुरक्षित हैं, सब कुछ सेफ है, मोदी जी तभी आए हैं 2014 में। अब आप देख लीजिए जो सीमा है, मतलब मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बॉर्डर्स हैं पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर हैं, तमाम जवानों को तैनात कर दिया गया है। अच्छा, जवानों को इसलिए तैनात कर दिया है कि इन्हें मरवाना है, पठानकोट में बिना लड़े मरवा दिए इन सैनिक, पुलवामा में बिना लड़े मरवा दिए, उरी में बिना लड़े मरवा दिए। अबे क्या मजाक बना रखा तूने, हैं देश के सीमा पे जो कारगिल युद्ध में जिसने लड़ाई लड़ी, जिस फौजी ने उसकी धर्मपत्नी को मणिपुर में क्या किया वे तुमने, और उन्हीं फौजियों की शहादत कराई तुमने पुलवामा में। बीजेपी तो सुनिए सर, बीजेपी खुल के कह रही है राजस्थान में हर रोज अफरात की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, मणिपुर जल रहा जलने दीजिए, राम राज्य में तो यही सब जायज है ऐसा लग रहा है, वरना बीजेपी रोक लेती। ये रामराज नहीं है, ये रामराज लाने की बात करी थी, मगर पोषाण युग राज आ गया है, समझे, इन्होंने तो चड्डी भी नहीं छोड़ी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा रहे, तो पोषाण युग जैसी स्थिति हो गई, मुझे लगता है फिर से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेगी इस नए भारत के नए निर्माण की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सब्र, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है,
सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। जब बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। अत कर दिए तुमने भूतनी वालों, इस राष्ट्र को बर्बाद करने का तुमने जो बीड़ा उठाया ना, अब वक्त आ गया देश के क्रांतिकारी, जनमानस जाग जाएगा और तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहाँ जरूरत है। ओ ध्यान रखना देशवासियों, और उन्हें भी मेरा एक संदेश है, शमशान वालों को, कब्रिस्तान वालों को, कब्रिस्तान और शमशान की जो राजनीति करते हैं उनके लिए ध्यान रखना। ओ कब्रिस्तान के द्वार खुले रखना, शमशान के द्वार खुले रखना। एक क्रांतिकारी इनको जल्दी भेजने वाले हैं यहाँ पर, भूतनी को, भूतनी वालों को। और ध्यान रखना, ये देश के अंदर जिस तरीके का इन्होंने हालत कर रखी है, ये पूरे देश में दंगा कराना चाहते हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं, और ये चाहते हैं सब में डर भय व्याप्त हो जाए और EVM मशीन से चुनाव जीत लिया जाए, क्योंकि इनको डर नहीं है। जनता का डर होता तो ये ऐसे काम ना करते। इन्हें पता है EVM मशीन है, EVM मैया, चुनाव आयोग इनका देवता, इनको जिता देगा, समझे? तो इन्हें डर नहीं है। इसलिए बहनों और भाइयों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग हैं भारतवासी, सभी लोग इस बैलेट मशीन के लिए, बैलेट पेपर के लिए तैयारी करो, बैलेट मशीन का विरोध करो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस मशीन का मतलब बताता हूँ आपको, EVM मशीन का मतलब क्या है। इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। इस मशीन का विरोध करना जरूरी है। और जब ही हमारा सपनों का देश बनेगा, देश के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीद भगत सिंह ने अपनी जान इस देश के ऊपर यूं न्योछावर कर दी। अरे सर, आप सपनों के भारत की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए, वीर सावरकर ने देश के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बन रहा है, इसका नाम है न्यू इंडिया। वो अलग बात है कि कहीं कहीं आग लगा दी जाती है, कुछ लोग मार दिया जाता है। देखा गया हरियाणा में ही 6 लोग जाने चली गई, 4 सिविलियन थे, 2 होमगार्ड की हत्या कर दी गई। भाई उसमें पुजारी भी मार दिया है, आपकी नॉलेज में नहीं है। एक जगह मुल्ला मरवा दिया, एक जगह पुजारी मरवा दिया, होमगार्ड मरवा दिया, ये दिखा दिया। पुलिस भी मरी, पब्लिक के ही मरे, पुजारी भी मरा, मुल्ला ही मरा, ये नौटंकी कब तक चलेगी? देश समझ चुका है तुमको भूतनी वालो, तुम्हारी राजनीति ये जो है ना कमीने बन वाली, अब चलने वाली नहीं। एक समय आने वाला है, देश की जनता तुम्हें किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ध्यान में रखें, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सुरक्षा है, और तो और महंगाई है, भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, बलात्कार है, और बलात्कार कोई चमत्कार बताते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ, बागेश्वर हो भूतनी के, इधर सुन पहले मेरी बात, तेरी पर्ची हो पर्ची मैं बताऊँ, माताओं बहनों क्या कहता है, प्लॉट, अरे खाली प्लॉट, खाली प्लॉट कहता है, जिसके माथे पे सिंदूर मंगल सूत्र वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, और जिसके पे नहीं है ये वो खाली प्लॉट है। अबे वो भूतनी के, तू पहले ये बता तेरे घर में कितने खाली प्लॉट है, ये बता। खाले प्लॉट, प्लॉट प्लॉट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भूतनी के खरीदी और बेची जाती है। तू बता, तूने अपनी बहन कितनी बार बेची, कितनी बार प्लॉट बेचा, माँ कितनी बार बेची अपनी, साले बहन बेटियों को प्लॉट बताता है, प्रॉपर्टी बताता है, प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है, कितनी बार बेची हो, बहन बेटियों को प्रॉपर्टी बताता है, बहन बेटियां प्रॉपर्टी नहीं होती हैं, बहन बेटियां प्रॉपर्टी नहीं होती है महाराज, बहन बेटियां होती हैं मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत, जिसके लिए भारतवासी अपनी गर्दन तक कटा सकते हैं। आ तू प्लॉट बताता है माताओं बहनों को, प्रवचन बंद कर दे, कूट देंगे तुझे, लगा लिया टोपा, पहन ली चेक के कपड़े, हैं ऐसे लगता है जैसे साले गुल खा खा के मीठा हो गया तू, हाँ के तेरे खुजली मचती है, तभी कहता है गठरी बांध देंगे तेरी, इस प्रवचन बंद करा देंगे तेरे, बकवास करता है भूतनी के, और कहता है हे राम हे हनुमान, एक इशारे पा जाता भूतनी के, तेरे एक इशारे पा जाता तो राम हनुमान तेरी रक्षा नहीं कर पाते हैं। सुरक्षा किससे ले रखी है, जेट प्लस सुरक्षा किसने दी है, राम और हनुमान पे विश्वास नहीं है तुझे, राम हनुमान तेरी रक्षा नहीं कर पाते, और तेरे सारे भाई जाते हैं भूतनी के, चूतिया किसको बना रहा है, और सरकार से सुरक्षा ले रखी है जेट प्लस, ये पाखंडियों की सरकार है जो ऐसे चूतियाओं को आगे पेश करती है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कहा गया भाई, हिंदू राष्ट्र कितने हिंदू हैं, भारत में कोई हिंदू नहीं है, एक भी हिंदू नहीं है भारत के अंदर, समझे, हिंदू राष्ट्र कौन है, हिंदू राष्ट्र हिंदू एक गाली है,
जो भारतवासियों को दी गई है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, हिजड़ा, नपुंसक, अपराधी। जहां मिले उसका जितना शोषण किया जाए उसका शोषण करो। बनो हिंदू, सालों शोषण होगा तुम्हारा। भारतवासी बनो, राष्ट्रवादी बनो, देशभक्त बनो, अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, अपने संविधान के लिए, अपने विज्ञान के लिए लड़ो। समझे, ये विचारधारा है। मेरा कोई जाति, धर्म, मजहब में विश्वास नहीं करता। मैं देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ। मोदी जी भी बड़े फॉलोअर हैं बाबा साहब के संविधान के। कौन मोदी फॉलोअर है? हैं, गाली क्यों दे रहे हो भाई? संविधान को गाली क्यों दे रहे हो? ये फॉलोअर है, इसके शासन में ऐसा होता है। मुझे तो हंसी आती है राष्ट्रपति महोदया पे भी। अरे कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, हम उसे सवाल नहीं पूछ सकते, माफी उन पे कुछ नहीं बोलूंगा मैं भाई। ये मेरा अधिकार है, मैं क्रांतिकारी हूँ, तुम जैसे नहीं पूछ सकते ना बोल सकते। मैं जानता हूँ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर सकते हो आप, कर दो, कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ आपकी तरह कि RSS की प्रयोगशाला से पैदा होके आया हूँ। मैं क्रांतिकारी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, भारतवासी क्रांतिकारी हूँ। भारत की आवाम के लिए लड़ रहा हूँ, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि ये मैं हंसी की बात क्या कर रहा हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू मंदिर में जाती हैं पर मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। क्या राष्ट्रपति महोदया को अपने अधिकार नहीं पता कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार होता? संविधान ने कितनी कितनी ताकत दे रखी है मंदिर को। तुम नहीं मंदिर में जा सकती हो। तुम चाहो, तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, उस मंदिर को उड़वा दो एक सेकंड में, एक इशारे पे। उस पुजारी को लुटवा दो एक सेकंड में। ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, मगर नहीं, तुम नहीं करती हो। क्योंकि तुम RSS की प्रयोगशाला से पैदा की गई राष्ट्रपति हो। तुम्हें खुद जानबूझ के भेजा गया कि जाइए, जाइए मंदिर में, और जाइए, पुजारी रोकेगा, आपने वहाँ मंदिर में नहीं घुसना, वापस आना है। इसका मतलब क्या है? मैसेज देना कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बन सकती है, मगर राष्ट्रपति बनने के बाद भी मंदिर में मूर्ति को नहीं छू सकती है। ये मैसेज देने की कोशिश की। तो ये रक्षक है, दुर्गावती मर गई इनके अंदर की। वहीं दूसरी ओर पहले पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामदास कोविंद को भी इसी तरीके से जलील करा, पुष्कर मंदिर गए घुसने। तो ये इसीलिए बनाए हैं, ये RSS के प्रयोगशाला से पैदा किए हुए कीड़े हैं। अगर राष्ट्रभक्त होते, कौम के लिए कोई मुंह देता आदिवासी के चेहरे पर, राष्ट्रपति नहीं भूलती। माताओं बहनों को निर्वस्त करके दौड़ाया जाता है, देश की राष्ट्रपति नहीं भूलती है। समझे नहीं, राष्ट्रपति किसके लिए बोलेगी? उसे बोलने की आज़ादी नहीं है। राष्ट्रपति महोदया, लोगों के गले में दही जम जाती है, आपके गले में RSS ने गोंद डाल दिया। 24 में आएगा मोदी ही, आखिरी सवाल है, 24 में आएगा मोदी? 24 में आएगा मोदी, मोदी ही आएगा हैं? वो अनभक्तो भूतनी के, वो मेरी सुन लो, शादी हो गई, और जिसकी नहीं हुई है तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, आएगा तो मोदी। जब स्वागत वाले दिन कमरे में जाओगे भूतनी के, चले मत जाना, लुगाई कहेगी तू कैसे आ गया भूतनी के, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। अरे आप क्या बोल रहे हैं? पता है आप क्या बोल रहे हैं? अनभक्तों की यही हालत है, अनभक्तों की यही हालत, यही विकास है, यही चमत्कार है। इससे विकास होगा देश का। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे ना, अब की बार मोदी सरकार, नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार, अब की बार मोदी सरकार का, जो कहते थे हर हर मोदी, हर हर मोदी, अब देश की जनता कह रही है मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी। वो जो कहते हैं मोदी 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 है, घर जागते हैं देखते हैं क्या इनकी अम्मा रो दी, भक्तों तुम्हारी अम्मा रो रही है। चलिए, हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत, और साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।